नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म सिटी बनाने की तरफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने मुंबई पहुंचकर अक्षय कुमार से मुलाकात की। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों की कई बातों पर चर्चा होने की खबर है। खबर है कि मुंबई पहुंचे योगी आदित्यनाथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर योगी एक्सपर्ट लोगों से भी चर्चा करेंगे और उनसे सलाह लेंगे। साथ ही मुंबई के लोग यूपी की फिल्म सिटी में आए, यहां आकर काम करें, इसके लिए योगी कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की भी राय लेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए कह चुके हैं और इसके लिए योगी ने जमीन के आवंटन की भी बात कही थी। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों और बैंकरों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो राज्य में निवेश प्रस्तावित फिल्म सिटी और फाइनेंस सिटी पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ यूपी को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, यूपी में फिल्म सिटी बनाकर लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और इसी के लिए मुंबई पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को योगी का मुंबई दौरा पच नहीं रहा। मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर हैरानी वाला बयान दिया है। सचिन सावंत ने कहा कि योगी द्वारा महाराष्ट्र के उद्योगपतियों और बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को धमकाया जा सकता है, उन्हें धमकाकर यूपी में ले जाया जा सकता है, इसलिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य के उद्योगपतियों और फिल्मकारों की सुरक्षा करें ताकि योगी इन लोगों को ना धमका सके। सचिन सावंत की इस बात को सुनकर हर किसी को हैरानी होगी, लेकिन कांग्रेस को ना तो देश की तरक्की से कोई मतलब है और ना ही किसी राज्य की। बस उनके नेता इस तरह के बयान देकर अपनी और अपनी पार्टी की किरकिरी कराते रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस फिल्म सिटी के सपने को योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाएगी तो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो कलाकार मुंबई जाकर काम मांगते हैं और उन्हें भार का होने के चलते नजरअंदाज किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। जो काम सुशांत के साथ हुआ, वो काम अब किसी और के साथ नहीं होगा। योगी के इस सपने को पूरा होने के बाद लोग यहां आकर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस को यहां भी विरोध करना है। तो दोस्तों, आपका यूपी में बन रही फिल्म सिटी पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यूपी में फिल्म सिटी बनने के बाद यूपी बिहार के कलाकारों को फायदा होगा? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।